आज अभी कुछ देर पहले बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय श्री अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया। ट्वीट का मतलब मैं बता रहा हूँ हिंदी में क्या होता है। हिंदी में उन्होंने ट्वीट लिखा है, आप लोग समझ गया होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि टीटी के एग्जाम के डिग्री पहले आया हो या बाद में आया हो डिग्री, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए टीआरई के अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको तो चिंता करना है अध्यक्ष महोदय, हम तो चिंता करेंगे ना, उसको एलिमिनेट करके उसको सीधे बाहर करिए, कान पकड़ के, ऐसे नहीं बाहर करना है, सीधे कान पकड़ के बाहर कर देना है। और मैंने तो कहा है कि आप पर कोई शक और संदेह नहीं है, आपकी योग्यता में कोई शक नहीं है, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, आपकी क्षमता पर कोई शक है ही नहीं है। हाँ, जिला में जो काम हो रहा है वो हम लोगों को गलत लगा और हमारे भविष्य का मामला है, इसीलिए हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अध्यक्ष महोदय के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। रुपेश भाई दिखा रहे हैं कि क्या उसका मतलब है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि बीएड डिग्री प्रमाण पत्र एसटीईटी से पहले प्राप्त किया गया है या उसके बाद, यह ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से पता लगाया जा सकता है। टीआरई उम्मीदवारों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताइए, बहुत बढ़िया ट्वीट है, शानदार है, जवाब दिया इन्होंने, यानी दिस पर्सन इज सेंसिबल। इंसान को सेंसिबल होना चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट बी सेंसिबल। ये सेंसिबल जो वर्ड है ना, ये सरकार के लिए इस्तेमाल होता है, और सरकार में जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है सेंसिबल वर्ड। तो ये इंसान सेंसिबल तो है, इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है, लेकिन हमारा विचार बस यही है मेरे साथियों कि अध्यक्ष महोदय ने जबरदस्त जवाब दिया है, लेकिन इसको हमको रोकना नहीं है, इस अभियान को। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ करके, कहीं कोई जबरदस्ती की बात है ही नहीं, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। कि महोदय जो आपने ट्वीट किया है ना उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, बस एक लेटर निकाल दीजिए कि सारे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जस्ट आफ्टर द एसटीईटी 2019, दैट मींस सितंबर 2019 के बाद है, या उनके बाद एसटीईटी का प्रमाण पत्र है ही नहीं, उनको सीधे बाहर किया जाता है। बस इतना ही बात है, बाकी कोई चीज है ही नहीं। बाकी आप जैसे कर रहे हैं करिए, शान से करिए, यही मांग है। तो आज हम लोगों ने जो शानदार काम किया है उसके लिए जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय ने। कल फिर आना है आपको, ऐसे में शाम को फिर आऊँगा, आपसे बात करूँगा। तबीयत भी ठीक नहीं है हमारा, बुखार लगा है, लेकिन मैं सोचा बुखार ठीक होने का इंतजार करूँगा तो पता चलेगा, रिजल्ट निकल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, इतना दिन तक संघर्ष किया है यार, तो बुखार लगा हुआ है फिर भी आया हूँ। दिखा देता हूँ टैबलेट, देखो रुपेश भाई को भी टैबलेट दिखा रहे थे, आपको भी दिखा दे रहा हूँ, देखो ये अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, ये खा करके आया हूँ। इसके एवज में हमें कुछ चाहिए नहीं, इसका एवज में सिर्फ आपका साथ चाहिए। कल आइए, बहुत ही शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से अपनी बात को रखेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, हम अच्छाई तो मांग रहे हैं। तो बस यही है हमारा विचार। अब रुपेश भाई इतना बोलेंगे, हाँ तो बस इतना ही बात है। कई मेरे साथी आ जाए, बहुत शुक्रिया, और जो नहीं आए उनको भी शुक्रिया। कोई मेरा नकारात्मक किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथी अगर कोई नहीं आए होंगे तो कोई ना कोई काम उनकी व्यस्तता रही होगी। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा, हमारी बात को जहाँ भी हों आप सुन रहे होंगे, ज़रूर सुन करके आना मेरे भाई, ज़रूर सुन करके आना, बर्बाद हो जाओगे, ये बात याद कर लेना। कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, व्यक्तिगत स्वार्थ तो है ही, ये हमारा भी मामला है, चूंकि हम मैं भी तो हूँ, भले ही अफवाह उड़ता है कभी कभी कि एसटीईटी के हम अभ्यर्थी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, एसटीईटी के अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई का हूँ, तो व्यक्तिगत स्वार्थ का तो मामला है ही। लेकिन अगर मैं भी यही सोच लूँ कि सबका होगा तो होगा, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो अब रुपेश भाई जरा बोलेंगे, सुनिए। नमस्कार साथियों,
अनिल सर मिल गए, आज बीपीएससी आयोग में आए थे। हम लोग का भी मुद्दा था, सब लोग का मुद्दा एक ही था कि जो डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें पारदर्शिता हो, अच्छा तरीका से हो, क्योंकि ऐसे फर्जी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ना एसटीईटी किए हैं, जो एसटीईटी किए हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में समस्या है, बहुत सारे हैं जो उस समय तक एकेडमिक डिग्री भी उनका पूरा नहीं हुआ था, उस अपीयरिंग थे वो भी भर दिए थे। तो ऐसे लोग बहुत सारे, संख्या बहुत है, समझिए कि सिर्फ सोशल साइंस में आपको इसका 10,000 से कम नहीं होगा, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है ऐसा, मगर 10,000 से ज्यादा है, आप समझिए इसको कम मत आकिए, 10,000 से ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस में 5,000-6,000 है। तो ऐसे ऐसे समस्या बहुत है, सभी विषय में हजार, सभी विषय में है, तो जब फर्जी है तो सभी विषय में होंगे, आप समझ सकते हैं, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फर्जी है। तो हम लोग को ये बात प्रमुखता से उठाना था, क्योंकि अगर नहीं उठाते तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो समझिए कि वैसे फर्जी लोग का रिजल्ट हो जाएगा, और जो अच्छे जिनका हक था वो बाहर हो जाएंगे। अगर हम जान मानते हैं कि बाद में फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग करेगी, फिर से होगा नियुक्ति देने के समय, लेकिन तब तक तो ये जो इसका रिजल्ट नहीं आएगा वो उसका तो लाइफ करियर खत्म हो गया, जो फर्जी के कारण जो अभी छट जाएंगे रिजल्ट, जो आ रहा है जो बीपीएससी का रिजल्ट आएगा उसमें अगर वो छट जाएंगे तो उनके साथ अन्याय हो गया ना। तो हम चाहते हैं, और ये अंतिम बहाली है, क्योंकि जान लीजिए इसके बाद बहाली इतना जल्दी नहीं होने जा रहा है, और सरकार अगर जिस रफ्तार से है ये बहाली कर देगा ना, समझिए कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक इसका काम खत्म करके विद्यालय में भेजेगा सरकार, 20-21 दिन का कुछ ट्रेनिंग देगा जैसा मालूम चला है, लेकिन वो ट्रेनिंग देकर बहुत जल्दी विद्यालय में नियुक्त कर देगा आपको। तो ये अंतिम लड़ाई है, अब घर में बैठने का समय नहीं है, फर्जी लोग के लिए हम लोग लगातार लड़े हैं। फिर केंद्रीय विद्यालय जैसा आएगा 100-150 और ऑल इंडिया से फॉर्म भरेंगे उसमें आप कंप्लीट कर पाइएगा, बताइए 100 सीट पे ऑल इंडिया से फॉर्म भरवा लेगा तो आप कंप्लीट कर पाइएगा इस एग्जाम को। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। देखिए अगर घर से नहीं निकलिएगा तो ये मौका चूक जाइएगा। हम जानते हैं कि फर्जी अगर निकलेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कट ऑफ कम हो जाएगा, कट ऑफ कम होकर के रिजल्ट आएगा। जो ये जो दिन भर ये सोचते रहते हैं कि ये कट ऑफ है वो कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट तरीका से, कट ऑफ कम हो जाएगा यदि फर्जी बाहर चल जाएंगे तो, लेकिन फर्जी रहेंगे तो कट ऑफ हाई कर देंगे वो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डायरेक्ट बीपीएससी में फॉर्म डाले हैं, वो तो एसटीईटी का उनके पास डिग्री भी नहीं है, डायरेक्ट बीपीएससी टीआरएम में फॉर्म भरे हैं, अब वो चल जाएंगे आगे जा करके, तो फिर समझ रहे हैं अगर बाय द वे चल गए और उनका रिजल्ट आ गया, भले बाद में उठते जाए लेकिन अगर रिजल्ट उनका आ गया तो आपका तो हक आ गए, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने सीट है उतना रिजल्ट आने वाला है, तो आपका तो सीट गया, तो इसके लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वेटिंग का भी कोई अभी प्रावधान, हाँ अब वेटिंग का कोई प्रावधान इसमें है नहीं, हम लोग तो ये भी मांग रखते हैं कि आप अगर बाद में फर्जी पकड़े जाते हैं, जो बच जाएंगे फर्जी पकड़े जाएंगे बाद में, तो उनके जगह वेटिंग को दिया जाए मौका, क्योंकि ये बहाली कितने दिनों बाद आई है, लोग बच्चे अभ्यर्थियों कितने दिनों से इंतजार किए हैं, लगातार हम लोग 19 अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, सोचिए कितना लंबा संघर्ष है, पेशेंस अपने आप में रखना तो बहुत मुश्किल होता है, आप एक नौकरी के पीछे इतना दिन खपा दिए और लास्ट में आपको ये फर्जी के कारण आपको बाहर निकलना पड़े, तो ये दुर्भाग्य की बात है, और आपको आपको भी शर्म आएगा भाई कि आपने निकला नहीं लास्ट समय में, आप तो निकलिए घर से, जाइए अपने कंप्लेन को दर्ज कीजिए। और एक और समस्या है, सोशल साइंस के साथ ये समस्या है, ज्यादा समस्या तो और सब्जेक्ट नहीं है, सोशल साइंस समस्या क्या हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी ऐसे जो प्रोविजनल आंसर की में ऐसे मतलब सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट जिसका आंसर जो है कि वो 7-8 गलत है, विभाग जो प्रोविजनल जारी किया है, और आपत्ति मांगा, हम लोग आपत्ति दिए भी हैं, लेकिन बीपीएससी का जो इतिहास रहा है कि वो आपत्ति जो जाता है उस पर ज्यादा कुछ सुनवाई नहीं हो पाता है, ज्यादा उस पर सुनाई नहीं होता है, जो बीपीएससी एक बार आंसर की दे देती है उसी को मानता है वो, उसी को चेंज, हाँ वो चेंज भी नहीं, चेंज बहुत कम करता है, तो ये चेंज बहुत कम करता है समझ लीजिए। तो समस्या है कि अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो किसी किसी सब्जेक्ट में 7-8 क्वेश्चन गलत है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था सोशल साइंस में, जिसने चूज किया था ज्योग्राफी, उसका 7-8 क्वेश्चन गलत है, एक भी ऑप्शन डी आंसर नहीं है, एक भी का आंसर डी नहीं है, 11 क्वेश्चन 40 में 11 क्वेश्चन सिर्फ ई ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोविजनल आंसर की में, उसमें एक भी ऑप्शन डी नहीं दिया हुआ आंसर, उसमें हम लोग खुद बना के आए उसमें 7-7 क्वेश्चन का आंसर हम लोग डी मार के आए हुए हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो 100% एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा लाइव एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिखा हुआ स्पष्ट तरीका से, तभी आयोग जो है कि गलत आंसर दिया है, तो इसका जानकारी देना पड़ेगा ना।
इसलिए हम लोग इस बात को रखे हैं कि आप तो पहले प्रोविजनल जो दिए हैं इसको सुधार करके फाइनल दीजिएगा। और हम लोग ने आपत्ति भी दर्ज कर दिया है, 7 क्वेश्चन पे हमने खुद आपत्ति दर्ज किया है, 7 क्वेश्चन पे, और वो ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी बुक से है, और कोई ज्यादा कहीं खोजना नहीं, एनसीईआरटी बुक उठाइए और 10th का एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसको पढ़िए, सब मिलेगा कि बीपीएससी ने कैसे प्रोविजनल आंसर की में गलती किया है। स्पष्ट तौर पर जो जो क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो उसका आंसर गलत दिए हुए हैं प्रोविजनल में, तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना, किसी सब्जेक्ट के साथ अन्याय हो जाएगा, और जो बच्चे बनाए होंगे उस सब्जेक्ट को उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन तो सभी में गलत है, लेकिन अधिकतर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में गलत है, तो हम इसका भी बात जा करके रखे हैं कि आप इसमें अगर फाइनल आंसर की दीजिएगा तो उस क्वेश्चन का आप और फाइनल देते हैं तो सुधार करके दीजिएगा, क्योंकि ये 7-8 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है, 7-8 क्वेश्चन से बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ 1-1 क्वेश्चन पर सोशल साइंस विषय में 1-1 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा भीड़ है, 33,000 फॉर्म गिरा है सोशल साइंस में, सीट कितने हैं 5400, कैसे फाइट कीजिएगा, और एक 33,000 और सीट आपको है जो है कि 5400 सीट। अब आप ही सोचिए कि इसमें एक सब्जेक्ट का अगर 7-7 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या 1 क्वेश्चन का डिसाइड कर देगा 1000 बच्चे का फ्यूचर, 1 क्वेश्चन डिसाइड कर देगा 1000 बच्चों का फ्यूचर, आप उसमें 7-7 क्वेश्चन गलत दीजिएगा उसके आंसर की, तो यहाँ तो अन्याय हो जाएगा किसी के साथ। इसलिए देखिए आप सब लोग से कह रहे हैं कि आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। बीपीएससी ने एग्जाम लिया बहुत बढ़िया, कहीं से पर्चा लीक क्वेश्चन लीक का जिक्र तक नहीं हुआ कहीं से, हम लोग बहुत खुश हुए कि एग्जाम देकर क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो अच्छे पढ़ने वाले थे उन्होंने स्कोर किया है, और इस कट ऑफ बहुत कम जाएगा इसका विश्वास रखिए आप लोग, अगर फर्जी निकल जाएंगे तो सोशल साइंस का कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा, जिसका आप अपेक्षा नहीं अभी तक किए हैं, 10-12 हजार फर्जी है भाई, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितने, हमारे नजर में कितने लोग हैं जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, वो लोग एग्जाम दिए हैं और अच्छा अच्छा नंबर लाए हैं, और वो लोग छटेगा तो स्कोर बहुत ही नीचे चला जाएगा, और आप विश्वास रखिए स्कोर इतने नीचे चला जाएगा कि बहुत जो एवरेज भी बना के आए उनका भी रिजल्ट होगा। तो साथियों आपसे विनती है, आग्रह है कि आप लगातार बीपीएससी आयोग पर दबाव बनाइए, अपनी बातों को रखिए, आप जो है कि चार वहाँ जाके प्रेजेंट होकर एप्लीकेशन लिखकर एप्लीकेशन दर्ज कीजिए, आपत्ति भी जो दिए हुए टाइम था उसमें आप दर्ज, सुने हैं कि आपत्ति का भी डेट साथ बढ़ा है, बढ़ गया है, तो आपत्ति का डेट तो उसमें आपत्ति दीजिए, सब कुछ एनसीईआरटी निकालिए, एनसीईआरटी बुक से आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत कीजिए, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आपत्ति दर्ज करने में मेहनत, 2 मिनट में सब काम हो जाता है, कहां से, आपत्ति दर्ज करने में बहुत मेहनत हो रहा है, वक्त लगता है, एक एक को स्कैन कीजिए, 100 KB से कम बनाइए उसको, फिर उसका जो है कि आपका आंसर क्या है, विभाग का आंसर क्या है, सब कुछ फीड करना पड़ता है, तो समय तो लगता है, लेकिन समझिए कि आप 1 क्वेश्चन सर छट जाते हैं तो कितना अफसोस होगा जीवन भर, ये जीवन भर 1 क्वेश्चन से छट जाते हैं तो कितना अफसोस होगा आपको, जीवन भर आपको खटकेगा ये बात कि शायद हमने समय अपने बातों को रख दिया रहता तो आज 1 क्वेश्चन के कारण रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा 1 क्वेश्चन पे 1000 बच्चे का भविष्य निर्भर करेगा, आप सब लोग से हम कह रहे हैं कि 1 क्वेश्चन 1000 बच्चों का भविष्य निर्धारित कर देगा, इधर से उधर रिजल्ट होगा, तो आप सबसे विनती है कृपया अपने बातों को विभाग में रखिए, बीपीएससी आयोग के पास रखिए, आइए आप सबसे विनती करते हैं कि आप आइए अपने बातों को रखिए और आपत्ति जितना हो सके दर्ज कीजिए, जितना ज्यादा आपत्ति जाएगा विभाग उतने सोचने पर मजबूर होंगे वो, तो साथियों हमसे विनती है कि आप लोग आइए कल, फिर कल वहां मिलेंगे आपसे, फिर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, आज बहुत सारे अभ्यर्थी आए थे लगातार 2-4 दिनों तक वहां पे, अगर हम लोग जवाब हाँ, नहीं 100 से ज्यादा अभ्यर्थी थे 100 से ज्यादा अभ्यर्थी थे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिसका कुछ दूसरा प्रॉब्लम था, लेकिन 100 से ज्यादा तो वो अभ्यर्थी अगर हम लोग 100-150 आकर के लगातार 3-4 दिनों तक अपने बातों को रख लेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा और इस बात को समस्या को आखिर हम लोग बोलेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि समस्या क्या है, तो बताना पड़ेगा ना कि ये समस्या है इसमें सुधार कीजिए, हम लोग लड़ने नहीं जा रहे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने बातों को जो गलती है उसको रखेंगे ना, आखिर विभाग को तो मालूम चलना चाहिए ना कि इससे हम प्रभावित हो रहे हैं इस निर्णय से, इसको रखना है अपने बातों को, तो थोड़ा घर से निकलिए, आपसे यही विनती है, हम लोग जब भीड़ में थे वहाँ के बाहर, आज मैं बता दूँ आपको कि जब हम लोग आज बीपीएससी के गेट पे खड़े थे तो वहाँ से बीपीएससी के चेयरमैन महोदय का कार पार हुआ, लेकिन हम लोग उसमें कुछ नहीं, जैसे उनको हम लोग नहीं कुछ बोले ना, हम लोग वहाँ आगे खाए ना उनको हम रोकने की कोशिश किए, हम लोग चाहते तो उनको सब रोक देते घेर करके वहीं पर, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें उनको देना है, हमें उनकी मान सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचाना है, हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारी बात सुन लें, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमसे बात करें, क्या जरूरत है बात करने का, हमारा काम कर दीजिए ना,
बात भी नहीं करना हमको कोई वैसा है। हाँ वो बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, हम लोग तो जाने के लिए हैं ही तैयार। इसलिए मेरे साथियों कल जरूर आना, फिर से हमारी मांग है ये, कल भी परसों भी हमारा अभियान रहेगा, मंडे को फिर पूरा विशेष रहेगा, और जरूर हमारी बात को सुनेंगे। हम चाह रहे हैं वही कि सीधे जो टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, सबमिशन हुआ है, उसी के आधार पर एलिमिनेट कर दीजिए, जिसके पास एसटीटी है कि नहीं है आउट, बस इतना ही बात है। उसमें ऑप्शन आप दे दीजिए कि आपके पास है कि नहीं है। हाँ ऑप्शन दे दीजिए ना, जैसे मान लीजिए एगो अपलोड करने के लिए दे दीजिए, कैसे डीएलएड का फॉर्म अपलोड करने का मौका दिया ना आपने, तो आपने आप मौका दे दीजिए कि चलिए जी एसटीटी का फॉर्म अपलोड करिए, तो आप लोग दैट्स ओवर। जब एसटीटी का फॉर्म ही नहीं आपके पास तो अपलोड क्या करेंगे आप जी। तो यही मेरा विचार था, कल आना है सबको। आज अतुल सर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है और इस जवाब का हमें फायदा उठाना है, ठीक है। इस जवाब का ये मतलब नहीं हो गया कि वो अतुल सर हमसे डर गए और दब गए, नहीं, वो सेंसिबल पर्सन हैं, संवेदनशील हैं, उनको ये पता है कि जो बाहर हमारे बच्चे हैं ना वो कष्ट में है, तकलीफ में है, कुछ कहना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जवाब दिया। इस जवाब का हमें सम्मान करना है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम उनको झुकाना चाहते हैं, कोई झुकाने का इरादा नहीं है, कोई झुकाने का इरादा नहीं है, हमारा सिर्फ इरादा यही है कि हमारा काम कर दें, क्योंकि हमारा मांग जायज है। तो कल जरूर आइएगा, इंतजार करेंगे, बाकी शाम को फिर हम एक बार आएंगे और आपसे बात करेंगे। जय हिंद साथियों।